ब्रह्मसूत्रों का अर्थ गोविंद राधे श्रीमद् भागवत पुराण बता दे गोविंद राधे श्रीमद् भागवत पुराण बता दे नारद ने ब्रह्मा से गोविंद राधे कहा था भागवत ऐसी बना दे गोविंद राधे सोई सर्व वेदांत सार बता दे हरि लोक वेदातीत लोक और वेद दोनों से परे हैं भगवान हरि लोक वेदातीत गोविंद राधे वेदातीत बता दे हरि हरि जन को तो गोविंद राधे कल्याण करा दे गुणातीत स्थित प्रज्ञ गोविंद राधे निषेध से परे है बता दे जो गुणातीत हो गए माया
मायातीत हो गए, मुक्त हो गए, भगवत प्राप्ति कर लिया, वो वेद से परे हो गए, उनको वेद का विधि निषेध यानी ये करो ये ना करो, ये जो वेद के कानून है ये उन पर लागू नहीं होते। यान्यस्माकं मंत्रो गोविंद राधे मंत्र है कि भगवान और महापुरुषों में कभी कभी धर्म के विरुद्ध भी आचरण देखा जाता है, लेकिन उसका अनुकरण नहीं करना, मन से भी न करना। कहा सुचरित अनुकरण करा दे, समर्थ समर्थ भक्तों में गोविंद राधे, धर्म का व्यतिक्रम होता है बता दे, किंतु अनुकरण गोविंद राधे, करे ना बता दे, शिव ने पिया था विष कालकू, शिव ने पिया था विष गोविंद राधे, नीलकंठ की उपाधि पाके मुस्का दे, साधारण मनुष्य तो मामूली विष खाने से ही मर जाए, तो कालकूट की बात कौन करे, और शंकर जी ने पी लिया तो शंकर जी का अनुकरण करे, कोई जो बड़े करे वे छोटे करे वो मर जाएगा। अनुकरण तो बस, अनुकरण तो बस गोविंद राधे, अनुसार हो बता दे, पचास हो गए। दूध बता दे,
सर गो का है दूध बता दे उपनिषद गो का है दूध बता में एक श्लोक है सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। उपनिषद रूपी गाय को श्री कृष्ण रूपी दूध दुहने वाले ने दुहा और गीता का उसमें दूध निकाला एक गीता रूप। और श्रीमद् भागवत गोविंद राधे शब्द ब्रह्म वेद वृक्ष फल है बता दे रूपी गाय का दूध है गीता और वेद रूपी वृक्ष का फल है भागवत। यह वेद वृक्ष फल गोविंद राधे नहीं गया फल। कच्चा आम तोड़ लेते हैं ना लोग और फिर उसको पकाते हैं दवाइयों से फिर बेचते हैं, उसमें वो स्वाद नहीं रहता जो अपने आप पक के गिरे। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये वेद रूपी वृक्ष का जो फल है अपने आप पक के गिरा, कच्चा तोड़ा नहीं गया, ये बहुत मीठा है। पक कर आप ही गिरा है बता दे जिस फल में तोता चोंच मार देता है वो फल सबसे मीठा होता है। तोते को एक ज्ञान है ईश्वरीय पहले से कि खुशबू लेके सबसे मीठे फल में चोंच मार देता है। तो सुखदेव ने भागवत को चखा है तब परीक्षित को सुनाया है तो सुखदेव का चोंच लगा है उसमें भागवत में। इस फल में तो सुख गोविंद राधे चोंच मारी और भी सरस बना कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुख का मुख लगा है उस मुख का अमृत भी इसमें मिक्सचर है। जग में सभी फल गोविंद राधे
बोला जाएगा फल खा लीजिए, आम का फल हो, सेब का फल हो, मौसम्बी कोई फल हो, फल खा लीजिए बोलते हैं। लेकिन यहाँ भागवत को बोला है पिबत भागवतम रसमालयम निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखा दमृत द्रव संयुतम मुह रहो रसिका भूमि भाव का पिबत भागवतम रसमालयम। ये श्लोक है। एक बात और है विचित्र इस फल में, इसको पीने को कहा, उसके अलावा एक और बात है। फल में फल में है रस ही, फल में है रस ही गोविंद राधे। छिलकाया गुठली नहीं है बता दे, का है ना, समझ में आ गया। छिलका भी नहीं उतारना, गुठली भी नहीं फेंकना है, रस ही रस है बस, पूरी भागवत पिए जाओ। अब ये बताओ कब तक पिए? तो आलयम पिबत भागवतम रस मालयम कब तक पान करे गोविंद राधे। भागवत रस का यह भी बता, जवाब दे रहा है। मुक्ति के बाद भी गोविंद राधे, तैल धारावत पीना है बता, परे तो वहां भी ये पीना है भागवत रस, ये कभी अंत नहीं होगा इसका। महल के भीतर गोविंद राधे, सर्वेंट होते हैं वो घोड़ों के लिए घास खोदते हैं, वो खुरपा लेके घास छीलते रहते हैं। उनसे पूछे महल में क्या हो रहा होगा इस समय, वो कहता है मैं क्या जानू, क्या मैं महल में कभी घुसा ही नहीं, मैं तो घोड़ों को घास छीलता हूं। उसी प्रकार ये सबसे अंतरंग जो रस है रास वगैरह का,
इसको महली जानते हैं, जो उस रस को पी रहे हैं वो जान सकते हैं, बाहर के कोई भी कर्मात्मा धर्मात्मा तपस्वी योगी ज्ञानी नहीं जान सकते। रास परमांतरंग गोविंद राधे, इसका रहस्य जाने रसिक बता दे, सुनाना भी गलत, पढ़ना भी गलत, सोचना भी गलत, जब तक अधिकारी न बन जाए।